बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक दैट इज विंडोज, विच इज इन योर यू टू एग्जामिनेशंस। दिस इज रिटन एट द पेज नंबर 49 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। Please open your books at page number 49 and look on this poem I am going to tell you, or I am going to teach you. On the way to my classroom, I walked down the long corridor, past the hundreds of books, their picture jackets, colorful and bright, each one a window onto worlds I have never visited. I can see elephants on a plane in Africa, a jet airliner cruising far above the white clouds, waterfalls, icebergs, and cavemen fighting a saber tooth while the family cows in a cave. Such places, such worlds. Back in a class, there are windows looking onto a world I know well. I see the deserted playground, the grey November sky, rows of houses, and beyond these, the chimney of a closed down factory. I am always willing to take the register to the office or messages to other classrooms, for then I can walk down the long corridor and gaze once more through the book jacket windows onto worlds I have never visited. Dear children, this poem is written by Wes Maggie. Wes Maggie is the writer of this poem. In this poem, the writer Wes Maggie represents a student which has desire, जिसकी चाहत है कि मैं पूरी दुनिया को शेयर करूं, और क्लास में से निकलते हुए जब वो क्लासरूम से निकलता है तो क्या कहता है, ऑन द वे टू माई क्लासरूम, जब मैं क्लासरूम से जाता हूँ, जिस रास्ते से जाता हूँ, आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर, कॉरिडोर ऐसी जगह कहते हैं जो दो कमरों के रोज के बीच में से रास्ता हो। जब ये बच्चा उस रास्ते से जाता है, पास द हंड्रेड ऑफ बुक्स, ये देख लेता है हंड्रेड ऑफ बुक्स, देखता है देयर पिक्चर जैकेट्स, उनके जो ये कवर्स हैं उन पर देखता है, क्या है, कलरफुल एंड ब्राइट, बहुत खूबसूरत और चमकेले, ईच ऑन ए विंडो ऑन टू वर्ल्ड, जो उसके हिसाब से दुनिया की तरफ उसको ले जाती है। आई हैव नेवर विजिटेड, जिसने जो दुनिया उसने कभी नहीं देखी है। ये बच्चा ख्वाहिश करता है कि मैं ये सारी चीजें देख लू, कौन कौन सी चीज। आई कैन सी एलिफेंट्स, मैं हाथियों को देखूं, ऑन ए प्लेन इन अफ्रीका, अफ्रीका के मैदानों में, आई कैन ए जेट एयरलाइनर क्रूजिंग, एक हवाई जहाज जो एक ही रफ्तार से चलता हो, क्रूजिंग, ऑन सेम स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड, एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, फॉर अबो द व्हाइट क्लाउड्स, ये जो ये सफेद बादलों के ऊपर से जा रहा है। मुझे शौक है कि मैं भी ये देखूं, वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स देखूं, आइसबर्ग्स, आइसबर्ग्स, ये आइसबर्ग्स क्या होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े तोदे जो समुद्र में तैरते रहते हैं, उनको आइसबर्ग्स कहते हैं। एंड केवमैन फाइटिंग ए सैबर टूथ, केवमैन जो शिकारी लोग, फाइटिंग ए सैबर टूथ, सैबर टूथ एक बड़ी बिल्ली का नाम है,
वेयर द फैमिली कवर्स इन अ केव, जबकि उनकी उनका खानदान जो है वो अपने आप को छुपाता है कहाँ, एक घर में। सच प्लेसेस सच वर्ल्ड, ऐसी जगह देखने की ख्वाहिश रखता है, ऐसा दुनिया देखने की ख्वाहिश रखता है कौन? ये बच्चा जो क्लासरूम में से निकल कर कहाँ जाता है, दूसरे एक कॉरिडोर में से जाता है। बैक इन ए क्लास रूम देयर आर विंडोज, जब ये बच्चा वापस आता है क्लास रूम में तो वहां क्या देखता है, सिर्फ खिड़कियां ही खिड़कियां हैं वहां पर। लुकिंग ऑन टू वर्ल्ड आई नो वेल, आई सी द डेजर्टेड प्ले ग्राउंड, जब ये खिड़कियों से देखता है क्या देखता है, डेजर्टेड प्ले ग्राउंड। डेजर्टेड ये डेजर्ट ऐसी जगह को कहते हैं जहां कोई हैविंग नो लाइफ, जहां लाइफ नहीं है, जहां कोई लाइफ, यहाँ इंसान नहीं रहते हैं। वो जो देखता है सिर्फ एक वीरान इलाका, द ग्रे नवंबर स्काई, ग्रे नवंबर, नवंबर का जो स्काई होता है, आसमान जो होता है वो थोड़ा ग्रे लगता है क्योंकि उसमें उन दिनों धूप थोड़ी कम होती है। रोज ऑफ हाउसेस एंड बियॉन्ड दीज, ये मकानों के एक कतार देखता है, उनके पीछे क्या देखता है, द चिमनी ऑफ ए क्लोज डाउन फैक्ट्री, ए क्लोज डाउन यानी एक बंद हुई फैक्ट्री, कारखाने की चिमनी। चिमनी उस जगह चीज को कहते हैं, उस मशीन या मतलब हिस्से को कहते हैं जहां से धुआं निकलता है, किसी कारखाने का धुआं निकलता है। आई एम ऑलवेज विलिंग, मैं हमेशा ये ख्वाहिश रखता हूँ कि टू टेक द रजिस्टर टू द ऑफिस, कि रजिस्टर जो है अटेंडेंस रजिस्टर ये मैं ही ऑफिस ले जाऊं। क्यों? और मैसेज टू अदर क्लासेस, या दूसरे क्लास के लिए पैगाम जो है वो मैं ही ले जाऊं। फॉर देन आई कैन वॉक डाउन, इसके लिए मुझे बार बार जाना पड़े। सो देयर द लॉन्ग कॉरिडोर एंड गेज वंस मोर, मुझे इस रास्ते से, इस कॉरिडोर से बार बार जाना पड़े और मैं बार बार ये देख लूं। थ्रू द बुक जैकेट विंडोज, इन किताबों की ये जल्द जो है जैकेट जो है इन पर जो तस्वीरें लिखी हुई है इनके की तरह मैं देखूं। ऑन वर्ल्ड आई नेवर विजिटेड, उस दुनिया की शेयर करना चाहता है जो उसने कभी देखा नहीं है। तो बच्चों अब ये पोयम जो मैंने आपको पढ़ाई, अब मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ वर्ड्स जो है मैंने निकाले हैं, कॉरिडोर पैसेज, एक रास्ता जो बिटवीन रोज ऑफ रूम्स, एक तरफ भी कमरे होते हैं दूसरी तरफ भी कमरे होते हैं, बीच में से जो रास्ता है उसको कहते हैं कॉरिडोर। क्लासरूम ऑफ, मालूम है क्लासरूम आपकी जमात है, आइसबर्ग बिग आइस स्नो स्नो बॉल फ्लोटिंग ऑन सी डेजर्ट, वो जगह जो बिल्कुल वीरान हो, हैविंग नो लाइफ आर ह्यूमन या पॉपुलेशन।